बलरामपुर जिले में भाजपा के संगठन चुनाव के दौरान गुटबाजी खुलकर सामने आई। जिले के चांदो, कुमसमी और राजपुर में हुए मंडल अध्यक्षों के चुनाव के बाद सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से निर्वाचन का आरोप लगाकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं राजपुर में भाजपा के पदाधिकारियों ने कांग्रेस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना विरोध दर्ज कराया। भाजपा जिला महामंत्री प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि राजपुर में हुए मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति चोरी छिपे की गई है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन अधिकारी के रूप में आए विजय जायसवाल ने दो मतदाता सूची रखी थी जो बिल्कुल गलत है। चुनाव हुआ कहा तो दादागिरी हुआ, अपने मन से सब घोषणा फोसा कर चले गए, मतलब चुनाव प्रक्रिया पूर्ण किए ही नहीं। फार्म भराता है ना, दो लोग अगर तीन लोग लड़ते हैं तो फार्म भराता है कि नहीं? जी, फार्म भी नहीं भराया जी। सामंजस्य बनाओ, सामंजस्य बनाओ, हम लोग बनाते रहे, अंत में नहीं बना। शाम को बोले कि अब आज घोषणा नहीं होगा, ये घोषणा डिले से सर बैठे तो व्हाट्सएप से पता चल रहा है कि 5-7 लोगों को बुलाकर विजय जायसवाल जी ने और किसी के दबाव में शायद और मंडल अध्यक्ष का घोषणा कर दिया गया, तो इससे हम लोगों को थोड़ा सा दुख महसूस हुआ कि पार्टी को तो कमजोर करने की बात है। घोषणा ही अगर उनको करना था और अगर वो पूर्व से ही तय कर लिए थे कि मुझे इस नाम का घोषणा करना था तो 6 बजे शाम को जब सब लोग पार्टी कार्यकर्ता वहाँ काफी संख्या में जुटे थे उसी समय घोषणा कर देते।